रेकी डेफिनेटली। और आपको इस प्रकार की मैं रेकी की चीजें बताने की कोशिश करूंगा, आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी ज्यादा घुमा के बात नहीं करता हूँ। ये थोड़ी फिलोसफी है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, रिलेट कर पाओ आप चीजों को। बुक की नॉलेज नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है? बुक की नॉलेज आपको कोई भी दे सकता है, किधर से भी पढ़ के, इधर से भी, और वो सब चीजें आप गूगल में खुद आप कर सकते हो, तो वो बड़ी बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। पर आपको उसको फील करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है। वो अगर आपने एक पर्सन ने भी कर लिया तो समझूंगा कि नहीं, हमारा काम किया, अप्लाई हो गया है और वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आप चाहिए तो आप कुछ भी पूछ सकते हो अभी। हेलो, इफ आई वांट टू ज्वाइन एडवांस कोर्स दैट विल बी प्रोसेस। जी, इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये बेसिक कोर्स सीखा है, उसके बाद आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, ठीक है? ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस का जो सेशन था, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। अभी मैंने जैसे आपको मेरिडियन के बारे में बात किया, तो 365 से भी ज्यादा एक्टिव पॉइंट होते हैं बॉडी के अंदर, उसको किस प्रकार से ढूंढा जाता है, उसके जो मेजरमेंट का स्केल होता है, क्योंकि हर चीज को जैसे किलोमीटर में, माइल्स में हम उसको समझते हैं, उसके डिस्टेंस को। तो हमारी बॉडी में जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं उसको ढूंढने के लिए कुन मेजरमेंट होता है, जिससे ओम भी बोल जाता है, एक्यूप्रेशर यूनिट मेजरमेंट उसको वो कहा जाता है। तो किस प्रकार से हम उनको फाइंड करते हैं बॉडी में, ठीक है? और इसमें एक्यूप्रेशर के दो टाइप होते हैं मेन, जो होता है चाइनीज एक्यूप्रेशर और दूसरा होता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो आपको एडवांस लेवल के जो कोर्सेज है उसमें आपको सिखाया जाता है किस प्रकार से टंग को डायग्नोसिस करते हैं। आप आपकी टंग को, आप क्लाइंट की देखोगे या अपनी टंग को देखोगे, आप हजारों बीमारियां पता कर सकते हो आपके कौन से ऑर्गन में दिक्कत है, क्योंकि ट्रीटमेंट बच्चा भी कर सकता है देख के, कलर इधर लगाना है, पॉइंट इधर लगाना है, पर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। मेडिकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, इतने इतने टाइम तक आपको अलग अलग टेस्ट करने बोलते हैं, ये भी करो वो भी करो, पर कुछ नहीं आता है, ठीक है? बट आपने अगर डायग्नोसिस करना सीख लिया तो यू विल बी अ परफेक्ट थेरेपिस्ट। और आपको मैं एक और चीज बताने चाहता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ना यू डोंट हैव राइट टू स्टॉप एनी मेडिसिन। तो आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि आप थायराइड की मेडिसिन बंद करो, बीपी की मेडिसिन बंद करो, आपके पास राइट्स नहीं है। आपके पास क्या राइट्स है, ओनली आप बाहर से एक्सटर्नली ट्रीटमेंट कर सकते हो, आपके पास ये राइट्स है, ठीक है? सो मैं आपको जो डिटेल है एडवांस कोर्सेज की, ठीक है, उसको किस प्रकार से, क्योंकि उसमें बुक्स बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। कैन वी गेट डिटेल्स ऑन मेरिडियंस? देखिए क्या है कि वो बहुत डिटेल हो जाएगी और कितने लोग उनको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? यस यस यस, मैंने आपको ऑलरेडी, मैं आपको रफली आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है, कि जो जैसे मैंने आपको बोला है कि जो एनर्जी है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है एक जगह, यहाँ पे दिल में एनर्जी है, आपके लिवर में एनर्जी है, एक जगह पे एनर्जी नहीं है, वो हमेशा 24/7 फ्लो करती रहती है। अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी ओनली मीटर में है, ठीक है, तो वो मीटर में नहीं रहती, वो मीटर से आपकी वायरिंग के थ्रू पूरे घर में घूमती रहती है, जहां पे उसका मेन ब्रांच है, जहां से वो एनर्जी आती है, तो वहां पे वो रुकी नहीं रहती है, इट कंटिन्यू फ्लोइंग, ठीक है? तो सेम हमारी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो जैसे ही कहीं पे उसका ब्लॉकेजेस आ जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, तो वहां पे अगर कोई कुछ कचरा फंस जाए या किसी का पैर उसके ऊपर रख दे कोई भी, तो उससे क्या होता है, वो फ्लो चलता तो रहता है पर वो थोड़ा कम हो जाता है, और अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो होते होते वो बंद भी हो जाता है। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पाथवे होते हैं, वेज होते हैं, जिससे एनर्जी ट्रैवल करती है, उसको ही मेरिडियन कहा जाता है। और हमारे हाथ में, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी में सब पॉइंट्स तो है, पर वो बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है, जैसे वहां पे मॉक्सिबिशन भी करते हैं, तो अगर आगे इन फ्यूचर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मॉक्सिबिशन भी सिखाऊंगा कि कैसे मोक्सा के साथ हीट दे के भी हम इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वैसे हम एक्यूपंचर भी सीख सकते हैं, मॉक्सिबिशन भी सीख सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के मेथड्स है जो हम सीख सकते हैं, और वो सब हमारा इंस्टीट्यूट सिखाता है आपको, हम सिखाते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है? तो वो क्या है कि बॉडी में अलग अलग जगह पे होता है जहां पे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझो वहां पे मैग्नेट लगाना है। जैसे मैंने आपको सीड बोल दिया, तो समझो मैंने आपके अलग अलग बॉडी पे ऐसा पॉइंट है जहां पे आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? आप वहां पे जैसे आपके पास कोई फीमेल आ गई तो आप उसको टच नहीं कर सकते, वहां पे स्टिमुलेशन नहीं दे सकते, सीड नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो इस जो ज्ञान के फिलोसोफर्स है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है,
उसने जो हमारे प्रोफेसर पार्क जेवू है उन्होंने इस ज्ञान को डेवलप किया है कि जैसे ये सिमिलैरिटी हमने देखी, जब पूरे का पूरा शरीर हमारे हाथ पे हो सकता है तो वो एनर्जी के पाथवे भी हमारे हाथ पे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से होते हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, जिस प्रकार से हमारी बॉडी पे है उसी प्रकार से हमारे हाथ में भी है, ठीक है। तो कुछ है उसकी एक फोटोज वगैरह रहेगी तो मैं आपको ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको देख के वो समझ में आ जाएगा। तो जितना मुझसे हो सके आपको समझाने की, या आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, मैं ग्रुप को भी हम लोग अनम्यूट कर देंगे, जो ऑलरेडी आप देखा रहेगा कि बंद है, वहां पे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। जैसे ये सब चीजें हो जाएंगी तो वहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। पर मुझे चाहिए कि आप पहले बताइए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आप अपने आप से भी उससे पूछ सकते हो, अपने जो आपके जैसे आप साथ में सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब सीख रहे हैं, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो वहां से कि नहीं ये करना है वो करना है, फिर हम मैं खुद उसको चेक करूंगा कि आपने वो पॉइंट सही बताया है नहीं बताया है, या उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है। तो जितना हो सके इस प्रकार के हम लाइव सपोर्ट भी आपको देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप सब उस ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, और भी जितनी भी नॉलेज है वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर जाके, तो ये आपको हेल्प करेगा कैसे पॉइंट्स को प्रेस करने से हेयर ग्रोथ। जी, रीग्रोथ, देखिए रीग्रोथ के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपकी जो हेड होता है, हेड में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है तब भी हेयर लॉस होता है, तो आपको आपकी डाइट को चेक करना है, आपकी खाने में सब अमीनो एसिड्स है या नहीं है। प्रोटीन के प्रोटीन में 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ऐसे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स रहते हैं, असेंशियल होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं। जब प्रोटीन आप देखो रहेगा, फीमेल्स कितने जो पार्लर में जाते हैं तो केराटिन वगैरह सब बालों को करवाते हैं, वो प्रोटीन का ही कुछ टाइप होता है। तो एक्सटर्नली आप प्रोटीन तो डाल रहे हो, पर अंदर से खाना भी तो जरूरी है, ठीक है। तो आप अच्छे से अलग अलग दालें हैं वो खाने में ऐड कीजिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो यू कैन ऐड पनीर ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन के कंटेंट ज्यादा है आपके खाने में वो ऐड कीजिए। उसके साथ में आप ये जो एरिया है, जो हेड का एरिया है, वहां पे स्टिमुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बन सकता है, बढ़ेगा। और साथ में आप कर सकते हैं शीर्षासन कर सकते हो। शीर्षासन से क्या होता है कि आप हेड ऐसे रखेंगे और पैर हवा में रहेंगे, हैंड स्टैंड कर सकते हो, जिससे पूरे का पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड पे आएगा, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन हेड में कम जाएगा तो आपके जो स्कैल्प है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम होलिस्टिक वे में पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बस यही करो और ठीक हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिंस है, आपका लाइफस्टाइल खराब है। मैं आपको बोलूंगा कि ये एक पेन किलर है खाओ और ठीक हो जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो आपको ऐसा बता रहे हैं मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, ये सब चीजें मैंने अपने पे ट्राई की है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को हमने ठीक किया है, तभी मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, तो उनकी मैं लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ, उनका खाना चेंज करता हूँ, साथ में उनको ये ट्रीटमेंट देता हूँ, तो वो लोग डे वन से मैजिकल रिजल्ट्स देखते हैं। तो अगर आप बैठ के बस दबाना करोगे तो फिर आप थोड़े दिन तक देखोगे कुछ जो लोग होते हैं थोड़े टाइम तक एक्यूप्रेशर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, और सबको ये चलाते कि अरे मैंने बहुत किया एक्यूप्रेशर कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इमिडिएटली चीज नहीं है, ये आपके सिस्टम को ठीक करने की चीज है। आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बोलो तो ऐसी ऐसी चीजें हैं मैं आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिखा सकता हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम बोलिए आपके सिस्टम से रिलेटेड। पर आपको अगर परमानेंट रिजल्ट चाहिए, और उसके लिए यू हैव टू चेंज योर डाइट, यू हैव टू चेंज वट एवर गुड फॉर यू, ठीक है। आपकी बॉडी के अलग अलग टाइप है, वात पित्त कफ अलग अलग टाइप की बॉडी है। मैं कुछ डाइट के टिप्स भी आपको अभी देना हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से खाने से क्या मिलता है, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, किससे क्या न्यूट्रिशन मिलेगी। आप साथ में रहिए, मिलकर रहिए, आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स में लिखिए, पर्सनली लिखिए, आप मुझे बताइए। आप एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करूंगा, जितना बेस्ट हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा। सर फ्री टाइम में अगर हम फेस के करस्पॉन्डेंस करते हैं तो पॉजिटिव होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, आप अगर बैठे हो आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
कि आप जस्ट बैठे हो तो कितने लोग क्या करते हैं कि माला बोलते हैं कि माला जपनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? उसके पीछे का लॉजिक ये है, सबसे पहले तो आप इधर उधर भागते नहीं हो, आपका दिमाग इधर उधर भागता रहता है, जिससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने बारे में नेगेटिव हो जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, जब आप माला राम राम या किसी भी भगवान का नाम लेते हो ना, तो इनडायरेक्टली देखो आप क्या कर रहे हो, माला से आपके थंब के पॉइंट, आपके ब्रेन के पॉइंट को एक्टिवेट कर रहे हो। आप समझ रहे हो, इनडायरेक्टली आप एक्यूप्रेशर यूज कर रहे हो। और ये एक्यूप्रेशर जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान है, तब से ये करते आ रहे हैं। आप ये छोड़ दीजिए ये कब से आ रहा है, किसने बनाया है। जब भी आपको सर दर्द होता है तो आप इस प्रकार से दबाना स्टार्ट कर देते हो, बच्चे को भी पैर में दर्द होता है तो वो दबाना स्टार्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो प्लीज यस बोलिए, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, हम वाइंड अप करेंगे। कैसे पॉइंट को प्रेस करना चाहिए, रे ब्रो ये हो गया, कलर थेरेपी डिटेल वीडियो। जी मैं आपको कलर थेरेपी के ऊपर भी जितना हो सके समझाने की कोशिश करूंगा कि कलर थेरेपी काम कैसे करती है, कौन से एलिमेंट से जुड़ी हुई है। अगर आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है तो वो स्टमक का एरिया होता है, ठीक है, और लीवर का एरिया, लीवर में टॉक्सिन बन जाते हैं, टॉक्सिन भर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो वहां पे उस ऑर्गन पे हम, अगर वो एनर्जी एक्सेस है तो हम एलिमेंट से रिलेटेड वो कलर लगाते हैं, और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, उस एनर्जी को कम करते हैं, तब हम वो कलर अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए समझना, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद रेडी हो जाइए, और आपको और किधर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखे, और मैं बोलता हूं कि आप जो भी सीख रहे हो ना, और आज से ही आप उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, घर पे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत समझिए कि जब मैं सब सीख लूंगा फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आज से ही छोटी-छोटी चीजों को घर पे आप देखिए, घर पे आप उनके हाथ लीजिए, उन पे प्रेस करके देखिए कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है। तो आप उनको, अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो आप पूछिए उनको, गैस बनती है, है? तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा और मजा आएगा आपको। क्योंकि मैं भी जब लोगों को देखता हूं ना, तो बहुत लोग रोते हैं सामने, मतलब लाखों रुपया दे के उनके पास अभी पैसा नहीं बचता है तो भी वो लोग रोते हैं। और डॉक्टर, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर कोई भी आपको गारंटी के साथ लिख के नहीं दे सकता है कि वो प्रॉब्लम 100% ठीक हुई है नहीं हुई है। पर आपको ये जो चीजें है ये आपको गारंटी देती है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बदलते हो आप। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? पहले स्वच्छ खाना होता था, अच्छी एयर होती थी, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो रेडिएशन नहीं होता था, तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे। पर अभी ये सब चीज आ गई। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इन चीजों से भागना नहीं है, हमें इनके साथ ही रहना है और इनके साथ ही हमारी लाइफ को जीना है, पर जितना हो सके इन चीजों से बचेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ चीजें आपको पूछनी है तो प्लीज मुझे फटाफट बता दीजिए, कोर्स से रिलेटेड पूछ लीजिए फटाफट। जी बैरी कोच के बारे में मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या है, किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया कर सकते हैं हम, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों, कुछ एक चीजें ऐसे होती है जिनके मैं आपको एक पॉइंट बता दूं पर आप उसको यूटिलाइज करोगे पर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, तो आप बोलेंगे इससे इफेक्ट नहीं मिल रहा है आपको। हाँ, एक्यूप्रेशर किट ये क्या है, देखिए आपने उसमें भी पीडीएफ में भी देखा रहेगा, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सबको लेनी है, बट अगर आप लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी, तो वो हमने आपके लिए इसके लिए बनाई है। क्योंकि बहुत बच्चों का कॉल आता है हमें, बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर मुझे मैग्नेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि एनर्जी को बढ़ाने कम करने के लिए हमें मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। और जो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमने एक एक्यूप्रेशर की किट बनाई है, जिससे आप आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो घर से, ठीक है। तो उसमें जो आपकी टेप होती है, आपके मैग्नेट्स होते हैं, जिम्मी होती है, जिससे आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसकी हमने एक ये बनाई हुई है, किट बनाई हुई है, जिससे आप आपकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो अगर आप चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ग्रुप में, तो आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी उससे। देखिए किडनी स्टोन है उसके ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक्यूपंचर भी करता हूं, तो एक्यूपंचर के कुछ एक पॉइंट होते हैं, साथ में कुछ एक एक ऐसा
आप समझ सकते हैं कि मैंने ऐसे पॉइंट्स उनको एक्यूप्रेशर के दिए हैं, जिस मैंने आपको समझा रहा हूँ, तो वो एक्यूप्रेशर के साथ जो टाइम है वो 2 से 3 महीना भी लग सकता है, कभी कभी हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि उसके साइज पे डिपेंड करता है, और वो यूरेट्रा में है या किडनी के अंदर है, नेफ्रॉन्स में है, तो वो कहाँ पे है पहले उसको समझना, उसकी रिपोर्ट पहले समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 दिन में निकल जाए तो वो गलत बात है। तो आप किसी को फेक मत कीजिए, किसी को गलत मत बोलिए कि इतने दिन में ठीक हो जाए, इतने, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है सबका, क्योंकि हमने तो 2 दिन के अंदर भी मैंने किडनी स्टोन बाहर निकाले हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है, उनका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, और उसके साथ स्पेसिफिक उनकी बॉडी के हिसाब से हम पॉइंट्स को जब ऐड करते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन में भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप जनरल ट्रीटमेंट देंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी को फेक प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको कोई भी अजम्पशन में नहीं जीने की जरूरत है कि इससे वो हो जाएगा ये हो जाएगा, आप समझ के कीजिए, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आपको उनकी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है किस प्रकार से काम करती है, तो आप तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप एक दिन में भी सामने वाले को रिजल्ट दे सकते हो। तो ये पढ़ने से नहीं, देखो पढ़ने से तो आपको नॉलेज मिलेगी, पर जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे आप, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप देखेंगे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, सेरिब्रम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस में। मैं आपको, आपके सामने इतने लोग हैं, इनके सामने बोल सकता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है, तो क्या करें, मर जाए? नहीं, हमारे पास ये थेरेपी है, ये ऐसा नॉलेज है जिसको हमें खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी उन प्रॉब्लम्स में, हमें एक आशा की किरण दिखेगी कि हाँ कुछ तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कितने लोग गिव अप कर देते हैं कि ठीक है मर के चले जाएंगे, या जिनको कोई दिक्कत होती है बोलते हैं खा पी के मरेंगे, छोड़ो। वो सही बात है कि खुशी के साथ जीना है और ऐसे छोड़ना नहीं है, कोशिश तो करेंगे हम, ठीक है, और इनमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे आप आपके पूरे घर के एड्रेस, जो जहाँ पे आप रहते हो वो आप डिटेल दे दीजिए, ठीक है, आपका पूरा नाम वगैरह आप डिटेल वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, तो आपको घर बैठे ही किट मिल जाएगी। देखिए, जो योनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जो आप बोल रहे हो वो अलग अलग रीजन से होती है, तो आप सोचोगे तो वो ऑक्सीजन भी कम होती है तब भी होती है, या आपको बहुत ही ज्यादा अलग अलग नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो बार बार योनिंग आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कि योनिंग आ रही है तो बार बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि और क्या प्रॉब्लम है। और अब सिम्टम्स आप देखोगे तो उनमें अलग अलग बताएंगे वो, क्योंकि जिनको योनिंग की प्रॉब्लम है उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगी, तो उनको देखना, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी रहेगी। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर योनिंग, इट्स अबाउट योर साइकिल। आप रात को लेट सोते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल पाते हैं, और रिलैक्स नहीं मिल पाता है जिससे वो हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं होता है। कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो जब आप सो के आपका वो एडन जो आपके हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी नींद पीसफुल होना स्टार्ट हो जाती है और आपको हेल्प मिली है उस चीज को ठीक करने के लिए। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था, आपको जो लंग्स का एरिया है आप उसको प्रेस कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करने के लिए, ठीक है, और आपकी ब्रीदिंग की पावर बढ़ेगी। और जब भी आप अगर हो सके तो आप सुबह उठ के आप प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए, अनुलोम विलोम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो लेफ्ट साइड की होती है वे आपकी चंद्र नाड़ी होती है, राइट साइड आपकी सूर्य नाड़ी होती है, तो आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को दोनों को बैलेंस करना होता है। तो आप इनहेल कर सकते हो ब्रीदिंग को, 5 सेकेंड आपको इनहेल करना है, आपको 6 से 7 सेकेंड ब्रीदिंग को रोकना है, और उसके बाद आपको 8 to 9 count एक्सहेल करना है। तो जितनी भी अंदर आपके कचरा है लंग्स के अंदर, वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है,
आपके लंग्स ज्यादा बड़े होंगे, जिससे क्या होता है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे ब्रीदिंग आप यहां तक करते हो और उसके बाहर ही बाहर निकाल देते हो आप, तो क्या होता है कि लंग्स तक आपकी पहुंच ही नहीं पाती है आपकी ब्रीदिंग, तो उससे क्या होता है आधे से ज्यादा बीमारियां उस वजह से होती है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले, क्योंकि फ्रेश एयर होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो फ्रेश एयर होती है, ज्यादा ऑक्सीजन रहती है, तो आपको आपको स्टमक को फुलाना नहीं है, स्टमक से ब्रीदिंग नहीं करनी है, आपको लंग्स से लंग्स को फुला के आपको स्ट्रेच करते हुए आपको ब्रीदिंग करनी है। जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो छोटा सा गुब्बारा होता है, जब आप उसको पूरा फुला देते हैं तो वो नॉर्मल से बड़ा साइज हो जाता है, सेम हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। तो आप लंग्स को जितना एक्सपांड करेंगे, जितना ज्यादा ब्रीद इनहेल करेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, और आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और आपकी ये सब अस्थमा वगैरह ये सब भी रिलेटेड है, तो प्रॉब्लम जो सब ठीक हो जाएगी। तो आपको एक चीज नहीं करनी है, आपको मल्टीपल चीजें आपको एड ऑन करनी है, ये सब चीजें आपका लाइफस्टाइल, आपके ये इनहेल, आपके खाना पीना, ये सब चीजों को ठीक करना है, तो आप जड़ से प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे। साथ में आप एक्यूप्रेशर ज्वाइंट कीजिए, तो आप इन ट्रीटमेंट्स को यूज कीजिए, क्योंकि अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब है, तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट्स यूज करने हैं, कैसे ये प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप चेक कर सकते हो और उस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच जी, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं देखिए इसमें मैं चाहता हूं कि हम कनेक्ट हो सके, एक कम्युनिटी बने, ठीक है, कि जहां पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग रहेंगे जो अलग अलग जगह से है, जिन्होंने अलग अलग ज्ञान लिया है, तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप बोल नहीं सकते हो कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, और मुझे तो नहीं ऐसा लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी भी सीखना बाकी है। जब आप लर्निंग छोड़ देते हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते हो। फॉर इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ यू हैव टू कीप अपडेट योर सेल्फ। जैसे मोबाइल में अलग अलग अपडेट्स आते हैं 4.1 ये वो, तो आपको सेम आपकी नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि रोज नई नई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना जरूरी है। तो मैं अभी लास्ट टाइम आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना है अपने कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस कोर्स की, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपको पूछना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल जितना हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिए, जितना बेस्ट, क्योंकि मैं कभी भी दिल से सिखाता हूं, तो ये नहीं सोचता हूं कि इसमें कुछ भी फिल्टर करके आपके दूँ, जितना ज्यादा देने की कोशिश मुझसे हो सके मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है, आप सबको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार आप यस लिख दीजिए कमेंट में, तो मैं समझ सकूं कि आप सबको अच्छा लगा है ये पूरा का पूरा सेशन, तो आप प्लीज यस लिख दिए कमेंट में, और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको अभी भी कुछ कोर्स से रिलेटेड पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, और आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें आपको आपका एड्रेस, आपका नाम, आप किस वजह से इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, और उसमें आपकी पूरी डिटेल, आपके डैड का नाम, मदर का नाम, सब चीजों का आपको भर के देना है, और आपको फिर उसके हिसाब से आपको लिंक भेजा जाएगा, आपको वो एग्जाम देना है। ये एग्जाम इसलिए देना है आपको जरूरी, क्योंकि ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको खुद को वो फील होगा, क्योंकि आजकल देखेंगे पैसा देके भी आप सर्टिफिकेशन खरीद सकते हो किधर से भी, तो उसकी वैल्यू नहीं है, और आपको अंदर से फील नहीं होगा कि मैंने ये कमाया नहीं अपने दम पे, तो आपको इसको कमाना है, लेना नहीं है, कमाना है अपने दम पे, तो आपको खुद प्राउड फील होगा कि यस मैंने अपने दम पे ये लिया है, अपनी नॉलेज के दम पे लिया है, और आप सीख पाओगे उन चीजों को। अगर आप ऐसे ले लोगे तो आपके अंदर वो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगी कि मैंने ये क्यों किया है, ठीक है। जैसे आपको वेट लॉस करना है तो आपका कोई मोटिव ही नहीं है उसको करने का, तो आपको आपके अंदर जब वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा उस चीज को करने का, तो आप कभी वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे, 10 दिन करोगे और छोड़ोगे, तो हमें नहीं चाहिए आप वैसा कीजिए। तो आप सीखिए, अच्छे से दिल लगा के सीखिए इस चीज को, और जितना हो सके लोगों तक फैलाइए, अपने लिए सीखिए, आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, और आप जुड़िए हमारे साथ, और YouTube पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी
नई नई वीडियोस जो मैं आपको और ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जी डेफिनेटली हम क्योर कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, और उसके साथ में आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो सब प्रिकॉशंस लेंगे संगीता जी तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब क्रिएटेड हुई है अंदर से बॉडी से और हम अंदर से ही उस चीज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी बॉडी में है, हम एनर्जी के लेवल पे उनको ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, आपका टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे, एंड आप अच्छे से सीखिए और सबको सिखाइए और अपनी हेल्प कीजिए और दूसरों के लिए भी हेल्प कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।